फार्मर रिवॉल्ट थे जो अदर प्लेस पे हुए, और उनके भी रीजन क्रॉप से रिलेटेड या ब्रिटिश के द्वारा जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का, उससे जुड़ी हुई चीजें थी। तो उसी में लास्ट वाला जो हमने देखा था बारदौली फार्मर रिवोल्ट में ही, बारदौली जो हमने देखा कि भाई वो वाला भी गुजरात में हुआ, और वहां पे क्या हुआ था कि क्रॉप जो है उस पर ब्रिटिश लोगों ने टैक्स काफी इंक्रीज कर दिया, और उस टैक्स को इंक्रीज करने के बाद जब वहां पर डिजास्टर आया उसके बावजूद ब्रिटिश लोगों ने टैक्स को कम नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि भाई लगान हम तो नहीं दे पाएंगे इतना सारा, तो इसे या तो आप लोग कम करो वरना हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो उसके बाद सत्याग्रह हुआ, और इस सत्याग्रह को लेड जो कर रहे थे उनमें थे हमारे पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले इनका नाम पटेल जी था, और सरदार इसी सत्याग्रह के टाइम इनको बोला गया, वुमेन ने बोला कि आप हमारे सरदार हो, लीडर हो, जिन्होंने हमें ऐसे टाइम में सपोर्ट किया है जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये बारदौली जो मूवमेंट है इसके लीडर पटेल जी हैं, और बाद में इसमें गांधी जी भी इन्वॉल्व आप लोगों को देखेंगे। गांधी कोशिश करते थे कि ज्यादातर सारे मूवमेंट में वो इन्वॉल्व हो जाए, और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो ऐसे मौका छोड़ते नहीं थे। तो ब्रिटिश लोगों ने टैक्स इंक्रीज किया, या जिसे ब्रिटिश की लैंग्वेज में कहें तो लगान, लगान इंक्रीज की वजह से ये रिवोल्ट हुआ, और फिर उसके बाद सारी पब्लिक साथ में आई, और पटेल जी को वुमेन ने बोला कि आप सरदार हो। और हमने देखा कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल वो मिला था चंपारण में, और इनको सरदार का टाइटल मिला बारदौली सत्याग्रह में। और उसके बाद इस सत्याग्रह में एक ट्राइब लोग थे जो इंक्लूड थे, और उन लोगों को सब लोग बोलते थे कि भाई आप लोग काली पराज हो, मतलब ब्लैक स्किन की वजह से उन्हें काली पराज के नाम से जाना जाता था। जब गांधी जी इसमें आए तो उन्होंने इनका नाम चेंज किया और बोला नहीं आप लोग काली पराज नहीं हो, आप लोग रानी पराज हो। तो इस रिवोल्ट पे एक और इंसिडेंट हुआ, काली पराज जो ट्राइब थी उसका नेम चेंज करके रानी पराज कर दी। ऐसे ही गांधी जी आगे भी करेंगे, जो एससी एसटी के लोग हैं उन्हें वो हरिजन बोलेंगे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि भाई काली पराज जो ट्राइब थी उसका नेम रानी पराज किसने किया और कहाँ पे किया। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ भाई ये सारी चीजें होती है। और फिर उसके बाद वहां पर एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने बोला ठीक है हम इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, इन्होंने पहले इंक्रीज किया था 22%, और फिर बाद पे 6%, 22 से 6% पे लोग आ गए। तो एक तरीके से फार्मर लोगों का थोड़ा सा जीत हो गया कि हाँ भाई इन्होंने इतना तो हमें मांगा। फिर उसके बाद साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ही फार्मर रिवोल्ट चल रहे थे। साउथ इंडिया में जो सबसे पहला फार्मर रिवोल्ट हमें दिखता है ये दिखता है मोपला, मोपला रिवोल्ट, और ये होता है अगर इसकी प्लेस की बात करें तो केरल में, केरला। यहाँ पे क्या होता है फार्मर और जमींदार उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है वही टैक्स सिस्टम, और जो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया था जिसमें जमींदार को लैंड की राइट दे दिए बट फार्मर के पास कुछ नहीं था, फार्मर एज अ लेबर। तो जो मोपला लोग थे, मोपला का मतलब साउथ इंडिया में होता है फार्मर
या आप कह सकते हो कि जो केरल की लैंग्वेज है मालाबाड़ी, उसमें भी कहते हैं मोपला। और यहाँ पे फार्मर जो लोग थे वो ज्यादातर मुस्लिम थे, और जमींदार जिन्हें जैनमी, साउथ इंडिया में बोला जाता है जमींदार को जैनमी, तो जमींदार जो थे ज्यादातर वो थे हिंदू। वैसे जो रिवॉल्ट था रिलीजियस बेस पे नहीं था, लेकिन ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इसे रिलीजियस कलर दिया जाए, क्योंकि अगर रिलीजियस कलर दिया जाएगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस रिवॉल्ट से हट जाएंगे। इवन गांधी जी भी गए मोपला रिवॉल्ट को सपोर्ट करने जब उन्होंने देखा, लेकिन बाद में इसमें प्रॉब्लम ये हुई, वॉयलेंस होना जब स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस ने भी इससे दूरी बना ली, और जब डिस्टेंस बनाया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस रिवॉल्ट से अलग हुए और ये रिवॉल्ट वीक हुआ। तो शुरुआती स्टेज में अच्छा चला, और उसका रीजन था इकोनॉमिक, क्योंकि फार्मर लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि इनको डेट देते थे, और डेट जब नहीं चुकता था तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये सारी चीजें इनकी चलती रहती। लेकिन बाद में कम्युनल जब एंगल इंक्लूड हो गया तो कोई भी इसमें चाहता नहीं था कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं चेंज हो। और ये रिवॉल्ट हुआ 1921, या कह सकते हो आप लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम का ये रिवॉल्ट है। शुरुआती स्टेज में ये मोपला रिवॉल्ट के फार्मर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड भी थे, बाद में जब इनके थोड़े से मीन्स चेंज हो गए, वॉयलेंस तरीके हो गए, तो उसके बाद इन्हें हटाना पड़ा, ये सारी चीजें। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में एक नया ऑर्गेनाइजेशन भी आया, ऑल इंडिया किसान असेंबली, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसने क्या किया, जैसे कांग्रेस सारे नेशनलिज्म को एक साथ लेके आई, ऐसे ही ऑल इंडिया फार्मर असेंबली जो है वो इंडिया के जितने भी फार्मर थे सबको एक साथ लेके आई, और इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया फार्मर असेंबली स्टेब्लिश होती है, और इसकी जो फर्स्ट आप लोग कह सकते हो कॉन्फ्रेंस हुई और लोग या सबमिट हुआ, लोग मिले लखनऊ में, जो आज की हमारे यूपी की जो कैपिटल है वहां पर लोग लखनऊ में मिले और लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया। लखनऊ में पहली बार मिले, और अवध के ही एक लीडर थे जिनका नाम था सहजानंद सरस्वती, उन्हें इसका हेड बनाया गया। तो सहजानंद नंद सरस्वती जी को इसका हेड बनाएगा, और साथ में ही साउथ इंडिया से एक और थे एम जी रंगा, जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश में या साउथ इंडिया में जो फार्मर की असेंबली थी उसको लीड करते थे, तो एम जी रंगा को इसका सेक्रेटरी बनाया गया। और धीरे धीरे जो फार्मर रिवॉल्ट थे वो लिंक होने लगे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से। इनकी भी डिमांड अब सिर्फ इतना ही नहीं था कि भाई जमींदारों से हमें फ्रीडम चाहिए या हमारा टैक्स कम करो, धीरे धीरे ये भी पॉलिटिकल डिमांड करने लगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जब इनका लिंक हुआ तो नेशनलिज्म की फीलिंग भी आई। और हमारे देश में पहले भी फार्मर डोमिनेटेड करते थे और आज भी फार्मर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर फैमिलियों से जुड़े हुए हैं, तो जब फार्मर को प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से वोट बैंक जो होता है या पॉलिटिकल सपोर्ट होता है वो हमारे देश में फार्मर से क्रिएट होता है। तो ऐसा ही इसमें था। तो जब से ही कांग्रेस को सपोर्ट मिलने लगा फार्मरों का, तो कांग्रेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई,
और फिर उसके बाद हम लोग देखते भी हैं बंगाल डिवीजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट में फार्मर साथ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो डिमांड है वो और ज्यादा मजबूत होगा कि ब्रिटिश लोग उन्हें कुछ कहे। तो ये सारी चीजें डिपेंड थी कि फार्मर कितना इन्वॉल्व हो रहे, तो इसके बेस पे ये सारी चीजें होती थी। इन लोगों ने कुछ डिक्लेरेशन किया, कुछ पॉइंट दिए ब्रिटिश लोगों को कि भाई ये हमारी डिमांड है, इन डिमांड को आप लोग मान लो, अगर आप लोग मान लेते हो तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सबसे पहली डिमांड यही थी कि भाई लैंड रिवेन्यू का जो टैक्स है वो 50% से कम कर दिया जाए, लैंड रिवेन्यू टैक्स लेस देन 50%। मान लो अभी ये 100 रुपीज लेते हैं, लेकिन अब ये बोल रहे 50 रुपीज कर दिया जाए, उससे ज्यादा हम लोग नहीं देंगे। और साथ में इन्होंने एक चीज और बोली, जो फार्मर का डेट है, जैसे आजकल भी फार्मर बोलते हैं कि भाई हमारा डेट माफ कर दिया जाए, ऐसे ही जो फार्मर ने डेट लिया है तो उसे या तो सरकार रिवील कर दे, माफ कर दे, फ्री कर दे उन्हें इससे, या उस डेट को काफी कम इंटरेस्ट के साथ ले, ये भी उन्होंने डिमांड रखी। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में कैश क्रॉप इंक्रीज हुई तो फार्मर पर डेट का बर्डन भी बढ़ा, इंडिगो हो, कॉटन हो, टी हो, इन सारी प्लांटेशन के लिए उन्हें बहुत सारा डेट लेना पड़ता था, और उनकी जो क्रॉप थी उसके सही रेट ना मिलने की वजह से वो डेट के साइकिल में फंसते रहते थे। आजकल भी आप लोगों को ये सारी चीजें दिखती है कि इंडिया में फार्मर लोग मैक्सिमम टाइम डेट में रहते हैं, और उसका रीजन भी क्या है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्मर को सही में मार्केट प्राइस नहीं मिलता। आप लोग जो भी चिप्स खरीदते हो या जो भी चीजें खरीदते हो उसमें मुश्किल से एक पोटैटो या एक आलू आप लोगों को मिलेगा, और उसकी कॉस्ट अगर फार्मर के हिसाब से देखा जाए, हम मान लेते हैं एक पोटैटो की कॉस्ट 1 रुपी है, लेकिन फार्मर को उसका 0.001% भी नहीं मिलता। इसका मतलब फार्मर उसको गेट नहीं करता, और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश में फार्मर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। जिस दिन हमारे फार्मर थोड़ा सा चिप्स बनाना स्टार्ट कर देंगे या टमाटो सॉस बनाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन वो बिजनेसमैन बनेंगे, और जब वो बिजनेसमैन बनेंगे उसके बाद उन्हें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे कोई भी चीज अगर आप सेल करते हो तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, या तो उसको फूड प्रोसेसिंग करके बेचा जाए, या फिर आप लोग उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाओ उसके बाद उसे सेल करो। जैसे अमूल, अमूल इंडिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे फार्मर लोगों ने मिलकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ एक बड़ी कंपनी क्रिएट कर दी जो वर्ल्ड लेवल पर काफी ज्यादा फेमस हो गई। तो ऐसे ही आज भी हमारी जरूरत है कि अगर हमें फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या जो हमारे एग्रीकल्चर में क्राइसिस चल रहे हैं तो उसकी चर्चे। लेकिन ऐसी डिमांड ये लोग यहाँ पे भी कर रहे थे कि भाई हमें ये सारी चीजें होनी चाहिए कि हम लोगों को मार्केट प्राइस मिले। और एक और चीज इन्होंने बोली कि कम से कम हमारी लाइवलीहुड के लिए हमारी मत ले जाओ कि हम लोग लाइफ ही ना जी पाए, तो लाइवलीहुड के लिए लेबर मिनिमम तो देना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिनिमम वेज लेबर, लेबर को मिनिमम इतने पैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होते हैं कि कोई भी लेबर इंडिया में काम करेगी तो मिनिमम 6,000 उसे जरूर मिलेगा। ऐसे ये लोग बोलते हैं कि जब हम लोग एज अ फार्मर लेबर की तरह काम करें तो मिनिमम वेजेस हमें भी मिलना चाहिए। और साथ में इन्होंने बोला कि भाई जो लैंड पर प्रॉपर्टी राइट है वो जमींदार लोगों का है, तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहिए, जमींदारी सिस्टम शुड बी अबॉलिश, क्योंकि जमींदार इनका काफी ज्यादा एक्सप्लोइटेशन करते थे और इनको लगता था कि इन जमींदारों ने हमें लैंड ओनर से लेबर की तरफ कन्वर्ट कर दिया है। और साथ में इन लोगों ने बोला जिन भी लोगों से मनी लेंडर जो है जिनसे हम लोग डेट लेते हैं उनको लाइसेंस दो, मनी लेंडर
लाइसेंस दो, उससे फायदा ही होगा, जब उनके पास लाइसेंस होगा तो जो टैक्स रेट है वो एक मिनिमम रेट पर रखेंगे, ये नहीं कि जितना मन हुआ उस बेस पे अपनी टैक्स रेट रख दी। और कहीं ना कहीं जब लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें रूल किया जाएगा तो वो लोग फर्जी जो रिसीप्ट बनाते थे फार्मर के नाम पे कि भाई इतने इतना लोन लिया, इसने इतना लोन लिया, तो वो सारी चीजें, तो मनी लेंडर को लाइसेंस दिया जाए और लाइसेंस के साथ उनको रेगुलेट किया जाए, ये भी इनकी कुछ डिमांड थी। और अगला यही है कि भाई जो भी कॉमर्शलाइज या कैश क्रॉप हम लोग उगाए तो उस कैश क्रॉप का मार्केट प्राइस हमें जरूर मिलना चाहिए, और ये मार्केट प्राइस की डिमांड अभी भी गवर्नमेंट करती है। आप लोगों ने देखा होगा फार्मर रिवोल्ट जब हुआ तो उसमें इसी बात की बात की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP सरकार दे और बंद ना करे उसे, क्योंकि अगर सरकार उसे बंद कर देगी तो हम लोगों को फिर कौन मार्केट में प्राइस देगा। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी को लेकर फार्मर की रहती है, तो ये चीज याद रखना, ऑल इंडिया फार्मर असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इंडियन फार्मर रिवोल्ट का, और यहीं से ये लोग इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुए कांग्रेस के साथ, और इंडियन कांग्रेस में फार्मर की डिमांड को माने जाने लगा, और धीरे धीरे फार्मर का इन्वॉल्वमेंट इंडियन नेशनलिज्म में बढ़ने लगा। और आप लोग आज के टाइम भी देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में फार्मर का लीड करते हैं, और इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो फार्मर के द्वारा, अवध फार्मर असेंबली वो भी आप लोग देखोगे, आंध्र प्रदेश में भी, और बहुत सारा पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ फार्मर के बेस पर। इसके बाद एक और मूवमेंट चला जिसका नाम था तेभागा मूवमेंट, और ये 1946 में हुआ। यहां पर डिमांड ये थी, तेभागा नाम से ये पता चल रहा है कि भाई थ्री पार्ट्स कम से कम होंगे, तेभागा मूवमेंट। यहां पर फार्मर की डिमांड थी, 1946 में चला। फार्मर लोगों ने बोला देखो आप लोग जो भी क्रॉप लेते हो अभी उसमें 2/3 ये जाता है एज अ टैक्स या लगान, और 1/3 रहता है फार्मर के पास। तो फार्मर ने बोला हम लोग टैक्स के रूप में सिर्फ 1/3 देंगे और 2/3 अपने पास रखेंगे। तो 1/3 देने की बात की, इसी के बेस पे इसका नाम क्या हुआ, तेभागा, कि हम लोग 3 भाग ही आपको देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी देने वाले नहीं है। और इस मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, बंगाल से ही। ज्यादातर जो मूवमेंट है वो बंगाल से ही हमें देखेंगे। हमने शुरुआती फेज में देखा सन्यासी मूवमेंट, वो भी बंगाल से था, इंडिगो मूवमेंट वो भी बंगाल से था। तो मैक्सिमम ट्राइबल मूवमेंट या फार्मर रिवोल्ट जो होंगे वो बंगाल से होंगे, और उसका रीजन बंगाल ब्रिटिश की कैपिटल वहीं पे थी कोलकाता, तो वहीं पे हमारे मूवमेंट भी होंगे, क्योंकि तो कैपिटल में अगर आप मूवमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जल्दी डिमांड मानी जाती है। आजकल भी आप लोग देखते हो जब भी किसी को रिवोल्ट करना होता है, चाहे अभी रेसलर हमारे देश में रिवोल्ट कर रहे हैं, फार्मरों ने रिवोल्ट किया, तो वो दिल्ली की तरफ जरूर आते हैं। उसका रीजन होता है दिल्ली में मीडिया है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो काफी कम टाइम में आपकी बातें सुनी जा सकती है। तो ये एक इनकी मेन डिमांड थी, और इसमें कुछ फार्मर लोग थे जो इसको लीड कर रहे थे, जिसमें से एक थे लीडर कंपाराम, कंपा राम जी एक लीडर थे इसके, जो एक तरीके से लीड कर रहे थे। और एक और लीडर इनके साथ ही, इनके पार्टनर की तरह आप कह सकते हो, भवन सिंह। इन दोनों ने फार्मर को एक साथ इन्वॉल्व किया और फिर उसके बाद इस रिवोल्ट की स्टार्टिंग, और इस रिवोल्ट में 1/3 ये पार्ट था ब्रिटिश की बटाईदारी सिस्टम का, बटाई दारी सिस्टम। बटाईदारी सिस्टम का मतलब कैसे
बहुत सारे जो पार्ट्स है, बेटेस का पार्ट्स, जमींदार का पार्ट्स, वो कैसे डिवाइड होगा। जैसे मैंने अभी दिखाया अभी 2/3 या 1/3, तो ये इसी को हम क्या कहते थे, बटाईदारी सिस्टम। कि जब क्रॉप रेडी हो जाएगी और क्रॉप रेडी होने के बाद जब वो किसी भी चीज में स्टॉक की जाएगी तो उसके बाद किसके हिस्से में कितना बटाएगा, ये सारी चीजों को हम क्या कहते थे, बटाईदारी सिस्टम। और इस मूवमेंट की एक और खास बात क्या थी, इस मूवमेंट में वुमेन भी इन्वॉल्व थी और साथ में मुस्लिम फार्मर भी इन्वॉल्व थे, ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों फार्मर एक साथ आए और ये मूवमेंट थोड़ा सक्सेसफुल भी हुआ। बाद में सरकार ने बोला ठीक है भाई हम आपकी डिमांड मान लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ, किसानों ने जो बड़े लेवल पे चीजें की थी रिफॉर्म वो सारी चीजें नहीं हुई थी, लेकिन ज्यादातर डिमांड उनकी मान ली गई थी, तो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद एक और मूवमेंट इंडिया में चला, जो सबसे बड़ा मूवमेंट है इंडियन का फार्मर का, जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा, तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट इंडिया में 1946 से स्टार्ट हुआ और आप लोगों को पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक न्यू स्टेट क्रिएट किया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना मूवमेंट की जो स्टार्टिंग फेज है, तेलंगाना जिस पार्ट में पड़ता है, यहाँ पर एक हैदराबाद हुआ करता था और हैदराबाद एक कैपिटल भी है, वहां पे एक नवाब रूल करते थे और उनको लोकल भाषा में बोलते थे निजाम, मतलब पीएम। निजाम का मतलब होता है आज का जैसे पीएम। और किसानों का ये काफी ज्यादा एक्सप्लोइटेशन करता था, तो किसानों ने उससे कहा, निजाम से पहले तो ऐसे ही बोलने के लिए कहा कि सर आप थोड़ा सा टैक्स कम कर लो हमारे ऊपर, और साथ में आप जितना भी फूड होता है वो सारा फूड ले आ जाते हो और हम लोगों को कुछ मिलता भी नहीं है। तो शुरुआती फेज में जब किसानों ने पीसफुल तरीके से डिमांड की तो इन्होंने नहीं माना। ऊपर से हैदराबाद का जो नवाब था उसने अपनी पुलिस का यूज करके फार्मर लोगों पर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, फियर करने की कोशिश की, लेकिन फार्मर लोग फियर नहीं हुए और डरे नहीं और उन्होंने बोला नहीं हम लोग आपके साथ ले आउट करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई, इसका जो एक लीडर था कुमार रैया इस रिवॉल्ट में एक लीडर था, उसको इस निजाम की पुलिस ने मार दिया। और जैसे ही इस निजाम की पुलिस ने कुमार रैया को मार दिया तो फार्मर लोग वायलेंट हो गए, उन्होंने जवाब देने के लिए इनके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और इन लोगों ने भी अपने वेपन उठा लिए और फिर ये लोग गुरीला जो सिस्टम होता है छिपकर वाप करना, गुरीला वॉर किया हैदराबाद की पुलिस के खिलाफ और निजाम के खिलाफ। और काफी लंबे टाइम तक ये लोग लड़ते रहे, इवन हमारे नेशनलिज्म मूवमेंट के बहुत सारे लीडर भी इनके साथ थे कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया। और इनको मोबिलाइज करने में, इस गुरीला वॉर में थोड़ा सा ट्रेनिंग देने में, वहां पर एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का हमेशा से विजन रहा है कि भाई जो रूलर क्लास हो वो लेबर और फार्मर हो। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी ने इन लोगों को जिताने के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी। तो इसी चीज से नाराज होकर तेलंगाना के जो निजाम थे उसने कम्युनिस्ट पार्टी को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्टी इल्लीगल है और इसने हमारे देश में या हमारे जो स्टेट है उसमें इन लोगों को गलत तरीके से या वायलेंस करने के लिए थोड़ा सा प्रमोट किया। और ये वाला जो मूवमेंट है इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा किसान मूवमेंट है जो सबसे टाइम तक चला
और ऑर्गेनाइज भी था। और उसके बाद ये एंड हुआ तेलंगाना की डिमांड के साथ। और 1946 से लेकर 51 तेलंगाना का जो एरिया है, हैदराबाद वाला एरिया, ये बाद में इंडिया में इंक्लूड हुआ। शुरुआती फेज में हैदराबाद का नवाब नहीं चाहता था कि वो इंडिया में इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके बाद पटेल जी ने थोड़ा सा पुलिस का, अपनी आर्मी का यूज किया, पब्लिक इसके खिलाफ पहले से ही थी, तो उसके बाद इसे हमने इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन हमें फोर्स का यूज करना पड़ा। पीसफुली हैदराबाद इंडिया में नहीं आया, उसके बाद ये हमारे यहाँ इन्वॉल्व हो गया। एक और मूवमेंट जो चला केरल में, पुनप्पा वायलायर मूवमेंट। पुनप्पा और वायलायर दो प्लेस थे, और इन प्लेसों पे ही फार्मर ने अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया, पुनप्पा वायलायर मूवमेंट। मूवमेंट या रिवॉल्ट ये स्टार्ट हुआ, और इसका फेज जो स्टार्टिंग का है 1946। यहां पर एक सबसे बड़ी खास बात दिखी हमें कि फार्मर और उन फार्मर के साथ साथ लेबर, ये दोनों एक साथ इसमें लड़े, तो इसीलिए इसको याद किया जाता है कि फार्मर भी थे और फार्मर के साथ लेबर दोनों एक साथ लड़े अपने राइट के लिए। और इसका जो मेन टारगेट था वो थे जमींदार, जमींदार के एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ पुनप्पा वायनार जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद इनकी जो डिमांड थी वो मान ली गई, तो ये रिवॉल्ट एंड हो गई। तो ये आज हमने जितने भी फार्मर देखे, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल सम इंपोर्टेंट फार्मर रिवॉल्ट विद सम एग्जांपल इन व्हाट इट्स नेचर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक क्वेश्चन तो आप लोगों से मेंस का पूछा जा सकता है, और प्री में जो क्वेश्चन बनता है उसमें या तो आप लोगों से इन रिवॉल्ट में से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाएगा, या मैच द फॉलोइंग कराने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो जितने रिवोल्ट मैंने कराए, इसके कराने का पर्पज ये है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बार बार इस एरिए से क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो कुछ फेमस जो रिवोल्ट है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे, आपके 99% क्वेश्चन जो भी रिवोल्ट मैंने कराए 10 से 12 के आसपास होंगे, इनमें से ही आ जाएगा। अगर आप लोग इनके कुछ चीजें याद रख लेते हो, पहला प्लेस कौन सा है, दूसरा टाइम पीरियड क्या है, मोटा मोटा बस याद रख लो। शुरुआती फेज को आप डिवाइड कर सकते हो, 1857 से पहले हुआ, 1857 के बाद हुआ। अगले जो रिवॉल्ट है उन्हें आप ऐसे याद कर सकते हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ हुआ या सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के साथ हुआ। ये सारी फार्मर की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया फार्मर असेंबली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की वजह से, और आप लोगों से चारों तरह चीजें पूछी जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग आज भी फार्मिंग में इन्वॉल्व है, और अगर वैसे बोले तो इनडायरेक्टली 80% से ज्यादा लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए फार्मर का जो भी हिस्ट्री रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप लोगों को पता भी है कि हमारे देश में फार्मर के लेकर अभी इंडिया में एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहे हैं। फार्मरों के पास नई जो जनरेशन है वो खेती करना ही नहीं चाहती, और उसका रीजन है एग्रीकल्चर में क्राइसिस होना, और उनकी फैमिली को और फार्मर को भी लगता है कि अगर हमारी नई जनरेशन इसमें आएगी तो कहीं ना कहीं उनको भी वही एक्सप्लोइटेशन का सामना करना पड़ेगा जो हमने किया। तो वो नहीं चाहते नई जनरेशन आए, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, इसलिए ये सारी चीजें और न्यूज में रहती है, तो कई बार इन मूवमेंट का भी जिक्र आ जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा सा याद रखना है, एक दो बार आप लोग रीडिंग करोगे तो आप लोगों को सारी चीजें रीड करोगे तो आप लोगों को रिकॉल हो जाएंगी, और एग्जाम के टाइम में एक बार और देखना पड़ता है 1 दिन 2 दिन पहले, तो आप आसानी से यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हम लोग लिख रहे थे ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, और ट्राइबल मूवमेंट में मैंने हेडिंग डलवाई थी इम्पोर्टेंट रिवोल्ट, ये लिख रहे थे ना कल। कौन था हमारे साथ? सृष्टि जी, आप यहीं से लिख रहे थे ना? यस। चलिए, तो ट्राइबल रिवोल्ट उसमें सबसे नंबर वन पे लिखिए खासी रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट में सबसे नंबर वन खासी रिवोल्ट, ब्रैकेट में लिख लेना 1830 to 33। 1830 to 33 और प्लेस जहां पर ये रिवोल्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। खासी एक ट्राइब है मेघालय की, आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, गारो खासी जयंतिया। तो मेघालय का जो प्लेटू है उसी का एक पार्ट है खासी, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके लीडर एक दो के नाम लिख लो, लीडर जो थे तीरथ सिंह, लीडर तीरथ सिंह। तो खासी रिवोल्ट के बारे में यही दो तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सेकंड डालिए कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट और इसके ब्रैकेट में लिखना 1831 1839, और इसका प्लेस छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड बिहार इस पार्ट में पड़ता है, पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था, छोटा नागपुर प्लेटू, और जिसे भी आप मान सकते हो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था पहले। इसके फेमस लीडर सुरगाराम, फेमस लीडर में सुरगाराम सुरगाराम एक और लीडर बुद्धो भगता, बुद्धो भगता या बुद्धू भगता, ये दो इसके फेमस लीडर थे। आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे हो सब में, ये सारे जो रिवोल्ट हुए 1857 से पहले हुए। अगर आप इतना भी याद रखते हो कि 1857 से पहले हुए तो अब भी आपका काम हो सकता है। आप लोगों से जो भी चीजें पूछी जाएंगी, जो डेट दी जाएगी, या तो 1857 से पहले वाली या 1857 के बाद वाली, तो आप लोग आराम से आइडिया लगा सकते हो। तो आपको बस आसपास याद रखना है, एग्जैक्ट डेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप लोगों से मैच द फॉलोइंग भी आएगा तो उसमें भी डेट में काफी डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों से ज्यादा पूछे जाएगा पास पास में। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। अगला लिखिए संथाल रिवोल्ट 1855 ब्रैकेट में 256। और इसका प्लेस कहाँ था? बिहार एंड बंगाल। संथाल भी एक ट्राइब है, बिहार एंड बंगाल। बिहार एंड बंगाल इसके लीडर में कुछ भाई थे जो साथ में रहे, तो लीडर में सिद्धू कानू,
ये एक ही पर्सन का नाम है, सिद्धू कानू, अलग अलग नहीं है, सिद्धू कानू एक पर्सन ये है। दूसरे है चांद भैरव, चांद भैरव, चांद भैरव। अगला फूलो झानू, फूलो झानू। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू, ये तीन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें आप लोग थोड़ा एक दो पॉइंट लिखिए। ठीक है, नाम आप लोगों ने लिख लिए तो इसमें पॉइंट लिखिए नीचे ही। दिस रिवॉल्ट स्टार्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन स्टार्टिंग फेज संथाल मीट विथ लोकल ऑफिसर, बट प्रॉब्लम वॉज नॉट सॉल्व, पैराग्राफ चेंज करके, आफ्टर दिस दे लॉन्च अ वॉयलेंट रिवॉल्ट फॉर देयर प्रॉपर्टी राइट। तो ये याद रखना, संथाल किसके लिए लड़े थे? प्रॉपर्टी राइट के लिए। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये होना चाहिए, ना कि 1857 का। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात, इनके जो इश्यूज है वो लोकल है, नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं है। दूसरा, इसमें पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, सभी लोग शामिल नहीं है, सिर्फ संथाल लोगों का मूवमेंट है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने से रोकता है। नेक्स्ट मूवमेंट लिखिए, जालियाग्राम रिवॉल्ट। इसके ब्रैकेट में लिख लेना मणिपुर नागालैंड। किस एरिया में हुआ? मणिपुर नागालैंड। मणिपुर में आजकल भी आपको दिख रहा है,
तो यहाँ पे हमेशा से शुरू से ही ट्राइबल लोग थोड़े से वॉयलेंट रहे। जालियाग्राम रिवॉल्ट, मणिपुर नागालैंड, और इसके लीडर जो है वो है जैदो नांग। जैदो नांग। एक चीज और हमेशा याद रखना, जो भी इंडिया में कम्युनिटी है जिसके राइट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की कोई भी चीज होगी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसका रीजन न्यूज में रहता है और ये लोग राइट को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए इनका अगर कोई भी रिवॉल्ट होगा तो आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैदो नांग, इसके हेड हैं जैदो नांग। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर वन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स ट्राइबल फोर्स ट्राइबल फॉर लैंड टैक्स फोर्स ट्राइबल फॉर लैंड टैक्स therefore conflict was started। therefore conflict was started। conflict was started। second point, in this revolt youth terrorist organization was created to launch वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, टू लॉन्च वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। इन 1930 जैदो नांग arrested by British and gave them capital punishment gave them capital punishment। Next point, after his death Naga tribe women, Rani Gendalu run a Gandhiwadi
run a Gandhiwadi peaceful movement. Gandhiwadi peaceful movement against British. Against British, which was arrested in 1932, which was arrested in 1932. And free by Jawaharlal Nehru and free or released by Jawaharlal Nehru in 1947. In 1947, and they also give them title of Rani, and they also give them title of Rani. तो रानी हो तो ये title भी किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने. तो ये हमारा जालियांग्राम रिवोल्ट या मणिपुर रिवोल्ट. अगला लिखिए मुंडा रिवोल्ट. मुंडा रिवोल्ट और डैश लगा के इसका एक और नाम है उलगन रिवोल्ट. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था उलगन रिवोल्ट रिलेटेड टू विच मूवमेंट. तो उसमें तीन चार ऑप्शन थे, सन्यासी मूवमेंट, खासी रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट. तो ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है. उलगन का मतलब होता है ग्रेट रिवॉल्यूशन. उलगन रिवोल्ट मुंडा रिवोल्ट का ही पार्ट है और इसका मतलब ग्रेट रिवॉल्यूशन. और इसका ब्रैकेट में ईयर लिख लेना 1893 to 1900. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है. और उलगन रिवॉल्ट देखिए, इसमें पॉइंट नंबर वन, दिस रिवॉल्ट रिलेटेड टू सोशल रिलीजियस एंड political right, social, religious and political right and its goal was to establish our independent society, establish our independent society with different right
वेयर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट ऑल्सो एस्टेब्लिश नेक्स्ट पॉइंट बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा लेड द रिवॉल्ट बिरसा मुंडा लेड द रिवॉल्ट एंड लॉन्च अ पॉलिटिकल प्रोग्राम लॉन्च अ पॉलिटिकल प्रोग्राम विच हैड वाज दोनका मुंडा लॉन्च अ पॉलिटिकल प्रोग्राम विच हैड वाज दोनका मुंडा इसके हेड थे दोनका मुंडा दोनका मुंडा In this program, some important point was dash लगाना और फिर कुछ important point का नाम लिख लिखिए point number one violation of government rule violation of government rule second abolition of government tax abolition of government tax third point establishing control of रैयत रैयत मतलब फार्मर ब्रैकेट में लिख लेना आपको समझ में आए तो एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ऑफ रैयत ऑन लैंड रैयत ऑन लैंड Next point, making a armed rebellion policy against British ये तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इसका विजन दिखाता है ये सारी चीजें इसमें चलती है ठीक है सृष्टि जी तो आज आपका ट्राइबल मूवमेंट का सारा लिखने का आपका हो गया है